जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, माँ धनलक्ष्मी जी चंचला है, इसीलिए वो बिना किसी कामना किए ही हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है और कभी कभी बिना किसी पूर्व संकेत के ही, बिना किसी चेतावनी के ही छोड़कर भी चली जाती है। लेकिन फिर भी धन की इच्छा तो सभी को रहती है। जी हाँ, धन की इच्छा किसे नहीं होती है। सभी चाहते हैं कि उनके पास अच्छा खासा पैसा हो, धन हो, लक्ष्मी हो। तो दोस्तों, माँ धन लक्ष्मी की पूजा धन वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए की जाती है। माँ धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का दिन सबसे अच्छा दिन माना जाता है। शुक्रवार के दिन हम माँ धन लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे घर पधारे। लेकिन ये कोई नहीं जानता है या फिर कोई नहीं जानना चाहता है कि क्या माता लक्ष्मी जी भी आपके घर में आना चाहती है, आपके घर में भी निवास करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। शास्त्र कहते हैं कि एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी ने माँ धन लक्ष्मी जी से पूछा कि हे देवी, आप किस घर में निवास करना चाहती हैं। तब भगवान विष्णु जी के इस प्रश्न पर माँ धन लक्ष्मी जी बोली, हे भगवान, जिस घर में गृहस्थी का कुशल प्रबंध हो, जहाँ सदैव स्वच्छता रहती हो, साफ सफाई रहती हो, जहाँ घर के सदस्य मृदुभाषी हो, सौहार्द मनाकर रखते हो, परिवार में बड़े बूढ़ों की सेवा होती हो, जिस घर के दरवाजे से कोई भूखा, कोई असहाय खाली नहीं लौटता हो, जहाँ स्त्रियों का अनादर नहीं होता हो, जहाँ स्त्रियों का शोषण नहीं होता हो, भगवान, मैं तो वहाँ पर ही निवास करना चाहती हूँ। तो घर परिवार में निर्वाह करने वाले जातकों को सदैव सर्वदा कमल के आसन पर विराजित माँ धन लक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए। देवी भागवत में कहा गया है कि कमल के आसन पर विराजित माँ धन लक्ष्मी जी की उपासना स्वर्ग के देवता राजा इंद्र ने की थी और इंद्र की उपासना से प्रसन्न होकर माँ धन लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर इंद्र को देवाधिराज का पद दिया था। इंद्र ने माँ धन लक्ष्मी जी की आराधना ओम कमलवासिनये नमः मंत्र के द्वारा की थी। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है, आप इसे लिख लीजिए। तो दोस्तों, यह मंत्र आज भी उतना ही अचूक और सटीक मंत्र है। तो इस मंत्र के प्रयोग से आप धन सम्मान और पद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप भी यदि धन सम्मान और पद की प्राप्ति के लिए माँ धन लक्ष्मी जी के इस चमत्कारी मंत्र का प्रयोग और साधना करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में हम आपको यही सटीक जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं इस मंत्र के प्रयोग का सही और सटीक तरीका क्या है। इस मंत्र का प्रयोग आप सुबह प्रातःकाल में कर सकते हैं और संध्या काल में भी आपको इसका प्रयोग करना है। तो प्रातःकाल को आपको यह प्रयोग उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना है और संध्या काल के समय इस मंत्र का प्रयोग आपको पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके करना है। कैसे करना है वो समझ लीजिए। प्रातःकाल और संध्या काल दोनों ही समय आपको स्नान करके निवृत्त होकर तैयार होना है। पीले रंग के या लाल रंग के वस्त्र धारण कर लेना है। प्रातःकाल जब ये प्रयोग करें तो आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और आपके ठीक सामने माँ धनलक्ष्मी जी की मूर्ति या श्री यंत्र रख लेना है। आपको श्री यंत्र के सामने स्टिफिक की माला से आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र जितना अधिक बार जाप कर सके उतना ही अधिक है, लेकिन कम से कम 11 माला जाप जरूर करना है। 108 मणियों की स्टिफिक माला लीजिए और 11 माला आपको जाप करना है। प्रातःकाल उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना है और संध्या काल के समय पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके आपको यह प्रयोग करना है। अपने ठीक सामने महा धन लक्ष्मी जी की मूर्ति या श्री यंत्र रखना है आपको। तो समझ में आ गया होगा आपको कि कम से कम 11 माला जाप करनी है, नियमित रूप से ये काम करना है, 41 दिनों तक ये साधना, ये प्रयोग करना होता है। इस प्रयोग को आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। माँ धन लक्ष्मी जी की कृपा से ऐसे व्यक्ति को जो ऐसी साधना करता है, इस प्रयोग को करता है, धन की प्राप्ति होती है और उसकी निर्धनता दूर होने लगती है। तो आप भी इस प्रयोग को करके देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी यदि आपको वास्तव में अच्छी लगी है तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं।
तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।